देवरी कला गणेश उत्सव की तैयारियों को लेकर SDM अमन मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजन समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित सभी गणेश उत्सव समिति के सदस्यों को गणेश प्रतिमा की स्थापना एवं विसर्जन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए। SDOP पूजा शर्मा ने कहा कि गणेश स्थापना के लिए पंडाल की साइज 30x45 से अधिक ना हो। इस दौरान 9 बड़ी प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। गणेश विसर्जन में जल समारोह निकाला नहीं जाएगा। छोटी प्रतिमाओं के लिए नगर पालिका द्वारा वाहन के माध्यम से एकत्रित होकर विसर्जन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 10 दिवसीय गणेश उत्सव के दौरान समिति के स्थापना एवं बिजली कनेक्शन के लिए पूर्ण में SDM द्वारा स्वीकृत लेना जरूरी है। थाना प्रभारी रवि भूषण पाठक ने कहा कि गणेश पंडाल में 10 फीट से ऊंची प्रतिमा विराजमान ना करें एवं समिति के 10 सदस्यों के नाम की स्वीकृति प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि गणेश उत्सव के दौरान समितियों द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और मास्क लगाएं। पंडालों में सावधानी पूर्वक बिजली कनेक्शन कराएं ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो। SDM अमन मिश्रा ने कहा कि गणेश उत्सव पर्व शांतिपूर्ण मनाए जाने के लिए सभी समिति के सदस्य पंडालों में भीड़ भाड़ नजर ना आए और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। उन्होंने कहा आगामी गणेश उत्सव के त्यौहार को देखते हुए हम लोग आज ब्लॉक स्तरीय देवी के नगर स्तरीय हमने एक बैठक की थी जिसमें सभी गणमान्य नागरिक एवं जो समिति है और साथ ही पत्रकार बंधु हैं। इसमें जो गृह मंत्रालय भोपाल के निर्देश जारी हुए गणेश उत्सव के संबंध में उनसे सभी को अवगत कराया गया है कि पंडाल का साइज 30x45 से अधिक ना हो। पंडाल ऐसा हो जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पर्याप्त व्यवस्था हो। मास्क सैनिटाइजर इन सब का भलीभांति उपयोग होता रहे और चल समारोह में के रूप में स्पष्ट बताया गया कि चल समारोह नहीं निकाले जाएंगे और ये भी निर्णय लिया गया कि नगर पालिका के माध्यम से विसर्जन की व्यवस्था की जाए। इन सभी बिंदुओं से सभी को अवगत कराया गया, सभी की राय ली गई और तत्पश्चात हम करके जो हम मैंने आपको बताया कि उसका पहुँचे और यही उद्देश्य है कि जो गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है उसका हम पालन करें। नगर पालिका पुलिस विभाग और प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से कोशिश रहेगी कि पूरी तरह से उसका पालन करें और सभी लोगों से अपील भी है कि गणेश उत्सव का त्यौहार है, उत्सव है, ऐसे हर्षोल्लास से तो मनाना ही है परंतु किसी प्रकार से कोरोना के प्रति भीड़ ना लें। मास्क पहने, सैनिटाइजर का जरूर उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें और क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है तो हमें एहतियात लगातार करना है। ठीक सर, ऐसा